हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ ये वाले परफ्यूम्स जो हैं, मिनी परफ्यूम्स हैं ये प्लम बॉडी लविन के, इनका रिव्यू शेयर करूंगी कि इनकी फ्रेग्रेंसेस कैसी हैं, ये कितना लास्ट करते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं अपनी तरफ से आप सभी के लिए बहुत एफर्ट्स कर रही हूँ कि मैं नई नई वीडियोज़ लेकर के आऊँ आपके साथ रिव्यूज़ शेयर करूँ कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा बुरा है। मोस्टली मैं वही प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करती हूँ जो मुझे खुद पर्सनली अच्छे लगते हैं। जो मुझे नहीं पसंद आते हैं वो मैं आपके साथ उसका रिव्यू नहीं शेयर करती हूँ। अगर आप बोलेंगे कि आप हमारे साथ वो प्रोडक्ट्स भी शेयर करो जो आपको नहीं पसंद आए, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं और कौन से नहीं, तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। मैं आपके साथ वो भी प्रोडक्ट्स शेयर किया करूंगी जो मुझे नहीं पसंद आए। इस तरह से मैं आपके साथ अपना जो रिव्यू है वो शेयर करती हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर। भी मुझे अपना प्यार दिखाइए, अपना लव और सपोर्ट दिखाइए। मैंने जो अपना चैनल क्रिएट किया है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को देखिए। मैं आपके कहने पर अच्छी अच्छी वीडियोस और भी लेके आती रहूँगी जो आप देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है इस तरह की मिनी परफ्यूम्स, ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आते हैं इस तरह से। इसका जो नाम है प्लम बॉडी लविन फोमो फन ऑफ मिस्टिंग आउट, इसमें 3 परफ्यूम्स हैं। ये एक सैम्पल साइज का पैक है, ये 100% वीगन है। ये कहते हैं कि वी आर अगेंस्ट एनिमल टेस्टिंग, हम एनिमल टेस्टिंग नहीं करते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 299 रुपीज। ये इस तरह से इसमें 3 परफ्यूम्स हैं। सबसे पहले जो है ये है मेरे पास प्लम बॉडी लविन का बॉडी मिस्ट ट्रिपिन मिमोसा। इस तरह से ये चुटकू से हैं। इसको आप ट्रैवल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बड़े बड़े परफ्यूम्स लेके जाना, और वो कई बार तो कांच की बॉटल्स होती हैं, उनको लेके जाना सेफ नहीं होता है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे परफ्यूम्स ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी अफोर्डेबल भी रहते हैं और ये ट्रैवल के लिए अच्छे हैं। और जो बड़े बड़े परफ्यूम्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो पूरे यूज़ भी नहीं हम कर पाते हैं। हमें होता है कि हम नया कोई फ्रेग्रेंस ट्राई करें। तो इसलिए मैं तो मानती हूँ कि जो छोटे परफ्यूम्स होते हैं, जो मिनी परफ्यूम्स होते हैं, वो बेस्ट रहते हैं। ये 5 ml का पैक है। जो छुटकू परफ्यूम्स की जो फ्रेग्रेंस है, जो इसकी फ्रेग्रेंस है, ये थोड़ी सी ऑरेंजिश काइंड ऑफ की है। बहुत अच्छी रिफ्रेशिंग वाइब्स दे रही है। ये बहुत ही माइल्ड है। कई परफ्यूम्स होते हैं जिनकी बहुत तीखी सी होती है, जो नाक में बहुत तेज़ चढ़ती है, वो तो कई लोग जो कहीं जाते हैं लगा के, तो जो साथ वाले होते हैं तो उनको भी पता चल जाता है कि इन्होंने बहुत तेज़ परफ्यूम लगाया हुआ है, तो वो कई लोग बेयर नहीं कर पाते हैं। इस तरह से ये लाइट है, काफ़ी लाइट वर्जन है ये। मुझे तो ये परफ्यूम अच्छा लगा। इसमें जो सेकेंड फ्रेग्रेंस है ये है ऑर्किड यू नॉट। ये भी उसके जैसा ही सेम है, 5 ml का प्रोडक्ट है, प्लम बॉडी लविन बॉडी मिस्ट ऑर्किड यू नॉट। इसकी हम फ्रेग्रेंस चेक करते हैं। इसकी फ्लावरी काइंड ऑफ की ये है फ्रेग्रेंस जो है, ये ऑर्किड फ्लावर की सेम लग रही है। मैंने पहले भी कोई परफ्यूम यूज किया है जिसकी इस तरह की फ्रेग्रेंस थी। ये मैंने एक दो बार अप्लाई करके देखा है। ये जो है ये 2-3 hours लास्ट करता है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही कम हो जाती है, फिर से रीअप्लाई करना पड़ता है। और अगर हम परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहें तो वो हैक तो आप सबको पता है कि हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा के उसके ऊपर आप स्प्रे कीजिए, तो आपका जो परफ्यूम है वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। फिर हमें 3-4 hours तक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो थर्ड फ्रेग्रेंस है ये है वेनीला वाइप्स। ये भी सेम वैसा ही है, पैकेजिंग सबकी सेम है, 5 ml का ही प्रोडक्ट सब में दिया हुआ है। इन तीनों में से इसकी फ्रेग्रेंस सबसे बेस्ट है मुझे जो लगती है। ये जो इसकी फ्रेग्रेंस है ये चॉकलेटिश काइंड ऑफ भी थोड़ा सा मिक्स है, इसमें थोड़ी सी फ्लावरी है और थोड़ी सी जो चॉकलेट की होती है ना, वैसी फ्रेग्रेंस है इसकी। तो इस तरह से ये है मेरे पास 3 परफ्यूम्स। इन सभी की फ्रेग्रेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, और ये भी बता दिया कि ये कितना लास्ट करते हैं।
इस तरह से जो ये चुटकू सी किट होती है, इसे आप एज अ गिफ्ट पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तब भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट आइटम भी है। हर लोग सोचते हैं कि हमारे किसी फ्रेंड का बर्थडे है, हमारी सिस्टर का बर्थडे है, तो हम उसे क्या गिफ्ट दें। तो इस तरह से आप ऐसी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये हर कोई यूज़ कर लेता है। हम ये नहीं सोच सकते कि किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा। ऐसी चीज़ें हर कोई लगाना पसंद करता है। फ्रेग्रेंसेस के मोस्टली सभी शौकीन होते हैं। मुझे तो ये फ्रेग्रेंसेस अप्लाई करना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये नई किट ट्राई करनी थी, इसलिए मैंने ये मंगवाई थी। तो मैं इसे 2-4 बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे तो अच्छी लगी है, तो मैं आपके साथ भी इसका रिव्यू शेयर करूँ। तो अब आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो इतना बड़ा परफ्यूम कैसे कैरी करें। तो इस तरह की चीज़ें ट्राई कीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा मेकअप का सामान, बहुत ज़्यादा जो है वो सामान उठा के अपने साथ ट्रैवल के लिए ना लेके जाना पड़े, क्योंकि बहुत मैसी हो जाता है कभी कभार हम ट्रैवल में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लेके जाए। तो इस तरह से आप छोटी चीज़ें ट्राई करा कीजिए। मेकअप के प्रोडक्ट्स भी सैम्पल साइज़ में जो आते हैं, छोटे प्रोडक्ट्स, वो बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि हम उसको पूरा यूज़ भी कर पाते हैं। बड़े प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हम पूरे यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वेस्टेज बहुत होती है। इस तरह से मुझे तो ये छोटी पैकेजिंग्स काफ़ी पसंद हैं। ये थी आज की वीडियो। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। टेक केयर। बाय बाय।